वेलकम बैक टू द चैनल बनारस रचित व्लॉग्स। अभी आप सामने देख रहे हैं नज़ारा बनारस स्टेशन, जिसका नाम पहले मरवाड़ी हुआ करता था। और ये पूरा स्टेशन है, आप लुक देख सकते हैं यहाँ का। एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है बस यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए, और अंदर भी ले जाऊँगा, मुझे बाहर जाना था किसी काम से। ये नज़ारा देखिए, ये ट्रेन खड़ी की गई है, शोकेस किया गया है दिखाने के लिए। ये पीछे वाला हिस्सा है मंडवाड़ी के, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है। बनारस के स्टेशनों में काफ़ी खूबसूरत और आधुनिक कर दिया गया है इसको। हालांकि ये पुराना है, वाराणसी नाम से स्टेशन था, वाराणसी जंक्शन काशी स्टेशन था, लेकिन बनारस नाम से कुछ नहीं था। तो इस मुहिम के तहत एक पत्रकार हैं AK लारी जी, उन्होंने उस मुहिम को उठाया और बनारस स्टेशन का भी नाम अब पड़ गया है। आप देख सकते हैं, अंदर ले चलना आपको। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इधर देखिए, आपको दिखाई देगा अर्धनारेश्वर, यानी कि आधे शिव आधे पार्वती जी को का सीन दिखाया गया है, खूबसूरत सा। यहाँ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। टाइम भी आप देख सकते हैं, उधर टिकट काउंटर है, टिकट्स हैं, इधर सफाई काफ़ी है। आप देख सकते हैं ये शिव गंगा आके खड़ी है, बहुत ही बेस्ट ट्रेन मानी जाती है दिल्ली जाने के लिए, बहुत ही बेस्ट ट्रेन मानी जाती है दिल्ली जाने के लिए। काफ़ी साफ़ सुथरी होती है और बजट फ्रेंडली होती है ये ट्रेन। पहले ये वाराणसी जंक्शन से लगती थी और अब ये बनारस स्टेशन, जिसको मंडवाड़ी स्टेशन पहले कहा जाता था, वहाँ से लगना शुरू होती है। और टाइमिंग 10:15 बजे है, और बनारस वाराणसी जंक्शन से जब लगती थी तो करीब 7:15 या 7:30 से लगती थी। ये देखिए लाउंज है, आप देख सकते हैं ऊपर वुमेन लाउंज है, ये देख सकते हैं वुमेन लाउंज है, बहुत आधुनिक। और ये AC लाउंज पुरुष है, आप देख सकते हैं इधर AC लाउंज है। और ये देखिए AC लाउंज कॉमन है, ये इधर पे एंड यूज टॉयलेट है, यानी कि आपको चार्ज देना होगा। और काफ़ी लोगों की भीड़ है, आप नज़ारा देख सकते हैं। हल्की सर्दी जो शुरू हो चुकी है, इसलिए लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव।